ईद पर क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद की शुभकामनाएं सभी भाइयों को देना चाहता हूँ और सब यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी आए और सबने शुभकामनाएं दी है और हमेशा की तरह सबसे अच्छी रही इस साल ईद की नमाज और बहुत बढ़िया हुई। अली किला बिजली घर फोर महल ईद के मौके पर यहाँ पर सारे मैंने अपने भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। कुर्बानी की ईद रही है और इसमें जो है बिजली विभाग ने पूरा इंतजाम ये किया है कि किसी के भी बिजली के 8 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी है, किसी तरीके की परेशानी न हो और हिंदू मुसलमान सब यहाँ मेरे भाई मिले और सबने ईद मिली और शुभकामनाएं दी और मैं सारे भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईद की शुभकामनाएं सभी लोगों को मेरे एक्शन साहब फोन का साफ कहा जाए कि पूरा ध्यान रखा जाए ईद में बिजली का बिजली बंद ना होना चाहिए ईद के मौके पर। दरगाह आज़ाद TPS जारी करता हूँ। मैं तमाम अहले सुन्नत वल जमात बरेली के देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत सुकून और शांति से अमन से ईद का त्यौहार माशाल्लाह निपट गया। मेरा नाम अफसान खान है। ईद पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं इसी लिए चाहता हूँ कि मेरे मदन वासी जो हैं ईद को बड़ा खुशी से मनाए और इसमें जो है फसल खरीद रही है, कुर्बानी दी थी अल्लाह के यहाँ हमारे बेटे के लिए, ऐसे हम लोगों को अपने वतन के लिए भी हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारे वतन में कोई आँच ना आए, हमारे वतन में कोई किसी तरह की परेशानी ना आए और हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। हमें अपने देश में ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम जो है मतलब नहीं के कहीं कोई भी नफरत की दीवार ना दिखे, ना हम चाहते हैं कोई नफरत की बात हो। हमारे देश में अमन चैन रहे और हम चाहते हैं कि हमारे देश में खुशहाली रहे, यही हमारा संदेश है अपने देशवासियों को। ईद पूरी ईद की खुशी सबको मुबारक हो। कमर अली, हाँ ईद पर क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद पर ही मैसेज देना चाहते हैं भाईचारे का, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रहे, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का ये पहला फर्ज बनता है एक दूसरे से मोहब्बत करना और खाली इससे काम नहीं चलता कि हम जुबानी तौर पर मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि हमारा इस बार अल्लाह इस बात का गवाह है कि अगर किसी से मोहब्बत करते हैं वो भाई का चैनल देश के लिए पहुंचे, जो भी काम करे देश के लिए सच्चे दिल से, और जब सच्चे दिल से करेगा मैं तो सोचता हूँ कोई फसाद कोई किसी बात का विवाद हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का फर्ज यह बनता है कि हम अपने देश के लिए अच्छा कार्य करें, अच्छी बात करें और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी और इसी बात को देशवासियों को मुबारकबाद। ईद पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ईद की मुबारक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं खासतौर से मुस्लिम भाइयों के लिए। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बरेली में ईदगाह पर हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, ऐसा माहौल ऐसा बजमा बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख ईसाई भी आ जाते हैं, लेकिन ये माहौल बनाया यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने। मुझे केवल एक ही बात कहनी है, इस माहौल को हम बरेली की जो एकता है अमन है ये सबको ऐसे ही बनाए रखें और मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर बरेली को एक ऐसा एक मॉडल शहर बनाएंगे ताकि हिंदुस्तान में लोग याद करें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यही संदेश है, वही संदेश ही मैं चाहूंगा सब जगह फैलाया जाए।